9th class. So today we are going to discuss the worksheet 22. So just before that, let me choose my brush. Okay, here it is. Pencil. Alright, all set. So we are going to discuss about this worksheet 22, detail 24-8-2020. Students, this is worksheet is all about your chapter 5, which is already taught in your class. So इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं. जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई क्या होती है उसके बारे में चलिए पढ़ते हैं. सो ऑलराइट, तो देखिए प्लाज्मा जो होती है, प्लाज्मा होती है झिल्ली होती है, प्लाज्मा झिल्ली केंद्रक कोशिका द्रव्य, तीन चीज़ें याद कर ली हैं. मान लीजिए कोई कोशिका है, इस कोशिका में जो है हमारा जो तरल पदार्थ है, ठीक है, जो लिक्विड है वो उसे कोशिका द्रव्य बोल देंगे. बीच में जो है इसका केंद्रक होगा, जिस काला सा, ठीक है, बीच में इसमें केंद्रक होगा. और ये जो परत दिखाई दे रही है ना आपको गोल तरीके, ये क्या है, प्लाज्मा झिल्ली है, जिससे कोई भी चीज़ अंदर और बाहर आ सकती है. कोई भी नहीं मतलब कोई सिलेक्टेड चीज़, ठीक है, इसलिए पारगम्य झिल्ली भी इसे कहते हैं. तो एक दो तीन चीज़ें जो है किसी भी कोशिका में निश्चित हैं, होती हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. इसके अलावा कोशिका द्रव्य में केंद्रक के अलावा कई सूक्ष्म संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर्द्रव्य जालिका, गोल्जी उपकरण, लाइसोजोम, प्लेस्ट्रेट, रसधानियां, माइटोकॉन्ड्रिया. यूकेरियोट्स का मतलब होता है बच्चे हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनिज्म, जैसे हम इंसान, ठीक है. और ये सब जो चीज़ें होती हैं ना किसी न किसी काम आते हैं, जैसे ऊर्जा, प्रोटीन बनाने के, लिपिड में बांड करने के, इन सब चीज़ों में जो है इनका जो है योगदान रहता है. इस सब जब कोशिका में केंद्रक मिल जाए तो उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं, उसको जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे आपसे पूछा उपपाचीय क्या होता है, उपापचीय क्या होता है, ठीक है. उपापचीय बच्चे वो सभी की सभी रासायनिक क्रियाएं उपापचीय कहलाती हैं, जो क्या करती हैं, जिनसे या तो कोई पदार्थ बनता है जैसे प्रोटीन का बनना, या फिर कोई पदार्थ विघटन होता है जैसे ग्लूकोज का ऊर्जा में परिवर्तित होना टूट करके, ठीक है, उसे उपापचीय कहते हैं. चलिए अगला देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बच्चों मैं आपसे ड्राइंग बनाने की बोलूँगी पादप कोशिका की और आपकी जंतु कोशिका की. तो ये जो है बच्चे आपकी हरी कलर की नज़र आ रही है आपकी पादप कोशिका है, और ये जो है आपकी ये जो है जंतु कोशिका है. फटाफट देखिए इसमें क्या हमें याद करने हैं. हमें बच्चे जो है इसमें देखना है इन दोनों में जो डिफरेंस क्या है. इसमें देखिए बड़ा सा जो खाली से जगह दिखाई दे रहा है रसधानियाँ होता है, केवल पौधों में होता है और बहुत बड़ा होता है, ठीक है. और इसके अलावा जो हरित लवक, जिसकी वजह से जो है प्लास्टिड जिसे कहते हैं, हरित लवक जो होता है सिर्फ सिर्फ प्लांट्स में होता है, जानवरों में नहीं होता, इसलिए जानवर हरे नहीं दिखाई देते, ठीक है. कोशिका भित्ति सिर्फ उसे पौधों में होती है, इसमें नहीं मिलती, ठीक है. अब दोनों में सिमिलर क्या है, दोनों में केंद्रक होता है, ठीक है, दोनों में आपका केंद्रक होता है, दोनों में के दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया होती है, जो आपको दिखाई दे रही है टॉफी की तरह, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं, और दोनों के दोनों में ही कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है, दोनों के दोनों में कोशिका झिल्ली होती है. तो कोई भी तीन आपको बना देने हैं. और यही आपका पहला सवाल है कि पादप व जंतु कोशिका में चित्र बनाकर सभी कोशिकाओं के नाम के लिए. ये चित्र इसलिए बनाना है क्योंकि दो काम हो जाते हैं, तो चित्र बनाया जाए तो भी आंसर दे देंगे और डिफरेंस हो जाए तो भी आंसर दे देंगे, ठीक है. चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं. उपाचीय क्रियाएं क्या होती है, उदाहरण सब लिखिए. तो उपाचीय क्रियाएं जो होती हैं, तो ग्लूकोज का विखंडन होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है, उपाचीय कोशिका कहलाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पादप एवं जंतु कोशिका में अंतर स्पष्ट करिए. तो पादप और जंतु कोशिका में अंतर हमने आपको पहले बता चुके हैं कि इसमें बहुत बड़ा रसधानियाँ होता है, इसमें नहीं होता है. इसमें जो है हरित लवक होते हैं, इसमें हरित लवक नहीं होते हैं. इसमें जो है कोशिका भित्ति होती है, इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है. और कोशिका जो झिल्ली होती है दोनों में होती है, लेकिन कोशिका भित्ति सिर्फ पौधों में पाई जाती है. ये आपके डिफरेंसेस थे. कोशिका द्रव्य कहाँ स्थित होता है, तो देखिए कोशिका द्रव्य जो है आपके कहाँ पर स्थित होता है, कोशिका द्रव्य जो है आपकी कोशिका के अंदर जो है स्थित होता है. चलिए अब इसके बाद में मैं आपको आंसर्स की तरफ लेकर के चलूँ. सो स्टूडेंट्स, हियर इज योर आंसर्स. एज आई टोल्ड यू, मैंने खुद से ड्रॉ किया है ताकि आपको चीज़ें बहुत ईजी लगे. मैंने वही चीज़ें दिखाई हुई हैं जिससे आपको नंबर मिल जाए, ठीक है. आंसर नंबर वन में देखिए गोल्जी उपकरण दोनों में ही होता है, चाहे वो जंतु कोशिका हो. यहाँ पे अच्छा मैंने लिखा नहीं, ये आपकी जंतु है, आपको लिखना है, ठीक है, ये आपकी पादप है, ठीक है, ये आपकी पादप है. देखिए इसमें गोल्जी उपकरण दोनों में होता है, केंद्रक दोनों में होता है, कोशिका झिल्ली दोनों में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होती है. चार चीज़ें आपको याद करनी है, दोनों में कॉमन होती है. जो दोनों में कॉमन नहीं होता है वो है हरित लवक, कोशिका भित्ति और ये रसधानी, ठीक है. ये डिफरेंसेस भी हो गए साथ साथ. उपपाची मैंने वही जो डेफिनेशन आपकी वर्कशीट में लिखी वही उतार दी है कि उपपाची जिसमें प्रोटीन का निर्माण, ग्लूकोज का विखंडन होता है, ये सारी रासायनिक क्रियाएं आपकी उपपाची लिखा होती है, ठीक है. अब इन दोनों में डिफरेंस स्थापित करना था, उसी की मदद से डिफरेंस हो जाएंगे कि इसमें क्या होता है. सबसे पहले जंतु कोशिकाएं जो है आपके जानवरों में होती है, पादप कोशिकाएं पौधों में होती हैं. इसमें हरित लवक होता है, इसमें नहीं होता है, कोशिका भित्ति होती है, इसमें नहीं होती है. आगे बढ़ते हैं. कोशिका द्रव्य कोशिका के भीतर होता है, ठीक है. ये आपसे पूछा गया था कोशिका द्रव्य कहाँ पाया जाता है, कोशिका के भीतर पाया जाता है. So this is your worksheet is done. Till then, take care. Goodbye. And let me know your thoughts in the comment section.